नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत नरकटियागंज से बलथर जाने वाली मुख्य मार्ग जो सड़क अभी काफी खराब हो चुकी है, बीच में गड्ढा भराई का काम जो पत्थर से होना चाहिए उसे खराब ईंट से किया जा रहा है। ईंट से सड़क की भराई करने पर गाड़ियों के आने जाने की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने जब उसे रोका तो मनसी बोला कि जेई साहब के आदेश अनुसार यह भराई की जा रही है। जब जेई साहब से अनुमंडल ब्यूरो अवधेश गिरी की फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसमें ईंट नहीं पत्थर डालना है। बात हो ही रही थी तब तक मनसी वहां से भाग निकला। उसे भागते देख ग्रामीण भड़क उठे कि अगर काम सही कर रहा है तो भागा क्यों। यह घटना कटघरवा चौक की है। सरकार कामों पर निगरानी रखे और गलत ठेकेदारों को दंडित करे। सुशासन बाबू के सरकार में ठेकेदारों की बहार है और अधिकारी उसमें मौन है। सोचने वाली बात यह है कि यह काम अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है या मनमानी हो रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। R9 भारत से मैं अनुमंडल अवधेश गिरी, अभी मैं नरकटियागंज बलथर मुख्य सड़क पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है जिसमें जहाँ पत्थर देना है वहाँ पे ईंट दिया जा रहा है। जब जेई से बात किया गया था जेई बोल रहा है नहीं वहाँ पत्थर देना है। अभी यहाँ पे एक मनसी था जो हमसे बात कर रहा था, उसके बाद हम जेई से बात किए तब तक वो रवाना हो गया। यहाँ कुछ ग्रामीण है, हम इन लोगों से बात करना चाहते हैं। ये जो सड़क बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ टूटने में बाढ़ आने में कोई सोचना नहीं है और रोड को टूटने मात्र एक ही बाढ़ काफी है। कुछ ग्रामीणों हम बात करना चाहते हैं, इसे क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम रामजी शाह है। अच्छा, अभी हम जहाँ खड़ा है वो अभी कहाँ कौन जगह है? ये है कटघरवा गाँव, कटघरवा समझे। हाँ, लेकिन यहाँ का नेता कर्मचारी सब चूर है। अच्छा, एक बात बताइए, सही काम इस रोड का कभी नहीं होता है। एक बात बताइए, जो रोड है विगत कई सालों से टूटा पड़ा हुआ है। कई सालों से टूटता है, टूटा है। और जब बनना भी चालू हुआ था करप्शन से बन रहा है, पत्थर से बनना चाहिए तो ईंटा डाल रहा है, ईंटा डाल रहा है ना। कहीं ना कहीं ठेकेदार चोर है, कहीं ना कहीं अगर जेई साहब सही रहते तो इसको तुरंत देखते अपने हिसाब से, ना कि यहाँ मनसी भेज देते। मनसी से हम जब बात किए तो मनसी यहाँ से रवाना हो गया। कुछ लोग और हैं, बुजुर्ग हैं, बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामेश्वर प्रसाद। एक बात बताइए, जो अभी जो रोड बन रहा है जिसमें पत्थर देना है और जेई साहब बोल रहे हैं कि नहीं हमारे एस्टिमेट में नहीं है गढ़ा को भरना, इस विषय में क्या कहना चाहिए? उनका कहने मतलब कि हम गढ़ा ईंटे से भरेंगे, पत्थर से नहीं भरेंगे। ईंटा से भर रहे हैं, देख रहे हैं ईंटा से भर रहे हैं। ये ईंटा से भरा जा रहा था, कितना दिन चलेगा? बहुत कम दिन चलेगा। ईंट से क्यों भरा जा रहा है? हम आए उसी टाइम हम उनको बोले जे आप मेन रोड है, ये कोई गांव का रोड नहीं है जो आप जब चाहिए कि जैसे चाहिए वैसे भर दीजिए। अनुमंडल का मेन हाईवे का रोड है, नेपाल से और यूपी तक का ये मेन हाईवे हो रहा है, जो इसको इस रूट का एकदम प्योर पत्थर से ही भरा जाएगा। हम उनको उसी टाइम में बोले आप ईंट नहीं डालिए इस पर, तब तक आप लोग आए, तब तक आप लोग उनसे जब बात किए तब तक वो आपसे जो हिसाब से बात किए तब तक ये भाग गए। मतलब कहीं ना कहीं गलत काम किया जा रहा है इसके कारण वो भाग गए। सही काम होता तो बोल रहे हैं ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है जो हमको ईट ही डालना है। हम बोले ईट नहीं डालिएगा इसमें, जो भी डाला इसमें पत्थर डालिए, तब तक वो भाग गए यहाँ से। देखिए, सरकार के पैसा का दुरुपयोग करना यहाँ के ठेकेदार और जेई भली भांति ही जानते हैं। बिहार है, यहाँ पर लोग मूर्ख है, चंपारण का लोग मूर्ख नहीं है, कर्मचारी है सब चोर है। सरकार जाती है इस काम के लिए तो उसमें चौनी लगाया जाता है, बारे आना बचा लिया जाता है। वही ना बात है कि यहाँ के लोग समझ नहीं पाता है बात को। और यहाँ के अधिकारी जी जय साहब से बात हो रही है। जी नमस्कार, हम अवधेश गिरी अनुमंडल ब्यूरो बात कर रहे हैं नरकटियागंज से। जी हाँ, बोल रहे हैं सर, जो ये नरकटियागंज और मुख्य मार्ग जो बलथर जाता है इसमें ईंट का रोड़ा देना है कि पत्थर का रोड़ा देना है? इसमें जो है आपका ये अभी तो चूंकि काम अभी तुरंत एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है और अभी जैसे बरसात के कारण जो डिस्टर्ब हो गया है, हमको पता है वो हम लोग को एस्टीमेट में प्रोविजन नहीं है।
अच्छा तो तत्काल जो है उसको गड्ढा गुड्ढी को जड़ को खत्म करे। जड़ को क्या तो ईट छोटा छोटा ईट से कि पत्थर से? नहीं पत्थर से भरेगा, लेकिन जहाँ मेजर गड्ढा है ना, जहाँ मेजर गड्ढा है वहाँ पर पहले थोड़ा सा ईंट का टुकड़ा देना पड़ेगा। आपके एस्टिमेट में ईंट देने के लिए? नहीं एस्टिमेट में नहीं है, एस्टिमेट में तो गड्ढा का प्रोविजन नहीं है, लेकिन बाढ़ के कारण टूट गया तो वो एक मतलब वो नॉन एग्रीमेंट आइटम है, इसीलिए उसको कम से मिलना चाहते हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ तो ऑफिस में मुलाकात होगी। कहाँ पे ऑफिस है? हाँ ये पथनिर्माण विभाग का ऑफिस है कचहरी के पास, नगड़ियागंज। हाँ नहीं ये बेतिया। बेतिया तो आप इस काम को जो करवा रहे हैं यहाँ ग्रामीण भी आक्रोश में है कि काम गलत किया जा रहा है। हाँ यहाँ पे जो आप ईंट डलवा रहे हैं जिसको लेकर ग्रामीण में भी आक्रोश है और आपके सीमित में भी नहीं है कि ईटा देना है। नहीं नहीं हमारा कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपके सीमेंट ले लीजिए, बहुत दिक्कत होगा। व्हाट्सएप नंबर थोड़ा सा कम लगता है तो हम आपके साथ है। क्या एस्टिमेट? हम लोग एस्टिमेट का कॉपी उपलब्ध करा देंगे, ग्रामीण खुद देख के काम करा ले। अगर लगता है कि एस्टिमेट से कम है तो हम आपके साथ है, ग्रामीण के साथ। हमारे कहने का मतलब कि हम धरातल पर हैं तो आप एस्टिमेट मेरे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप थोड़ा इस पे भेज दीजिए तो। नहीं एस्टिमेट वैसे नहीं आता है सर, उसको आप एक राइटिंग में या हिसाब से नहीं लेते हैं किसी तरह। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आर9 भारत।